हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज फिर से आप लोगों का मेरे स्टिचिंग डिजाइनर में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को पटियाला सूट स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। मैं अगली वीडियो में इसका कटिंग दिखाया था, आज मैं इसका स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो ये जो मेरा पार्ट है उसको मैं पहले अलग कर लेती हूँ। इधर से जॉइंट साइड है, इसको काटना पड़ेगा। तो मैंने इस साइड ले लिया, इस साइड का जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करूंगी, पहले उस कपड़े को ले लेती हूँ। इसको मैं इसके साथ ऐसे जोड़ूंगी, तो इसको मैं ऐसे रख के सीधा सिलाई लगा लेती हूँ। फिर इसको सिलाने के बाद इसके ऊपर और एक सिलाई लगाना है, वो सीधी साइड में होगा सिले। ये सिले लगाने से इसका जॉइंट साइड बहुत मजबूत होता है, तो ये सिले लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने इस साइड में जॉइन किया है कपड़ा, ठीक वैसे ही दूसरी साइड में भी मैं जॉइन करूँगी। ठीक सीधी साइड को सीधी साइड के ऊपर रख के मैं इसका जॉइन करूँगी। ये ऊपर से मिलना चाहिए, इधर से नीचे से ना मिले तो कुछ नहीं होगा। फिर इसको भी मैं सीधी साइड में और एक सिलाई लगा लूंगी। तो मैं इस साइड में भी सीधी सिलाई लगा लिया और दूसरी साइड में भी मैं सीधे सिलाई लगा लिया। और जैसे मैंने इस पैर को ठीक किया है, जॉइन किया है कपड़ा, ठीक वैसे ही दूसरे साइड दूसरे पार्ट को भी मैं ऐसे करके कपड़ा जॉइन करूँगी। इसके ऊपर भी मुझे एक सीधे सिले लगाना है, ये जॉइंट सेट के ऊपर होगा। इसके बाद मैं दूसरी साइड में भी ऐसे करके सिले लगाऊंगी, सिले लगा के कपड़ा जॉइन करूंगी। ये जॉइन कपड़ा जॉइन करने से मेरा प्लेट ज़्यादा होगा और पटियाला सूट देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरा दोनों साइड में जॉइंट हो गया है, इसके ऊपर मैं और एक सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद मुझे प्लेट लेना है, तो प्लेट को पहले मैं नाप लेती हूँ। कमर मेरा 45 इंच है, तो 45 को मैं हाफ करके इसको पहले काट लूँगी। 22.5 इंच होता है, तो इसमें मैं निशान लगा लूँगी। फिर इसको काट के अलग कर लूँगी। फिर यहाँ से जो जॉइंट साइड है इसको भी अलग करना है। फिर इस पार्ट को ऐसे रख के इसके ऊपर मैंने जो सिलाई किया है अभी सीधी साइड के ऊपर रख के इसको इधर से मिला के ऊपर सीधा सिली लगाना है। मैं थोड़ा सीधा लगा लूँगी, फिर इसके बाद प्लेट डालूँगी। थोड़ा छोड़ के बाकी प्लेट लगाना है। प्लेट आप जितना भी डालोगे
सब एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। एक आप प्लेट थोड़ा बड़ा बड़ा डालने से और भी सुंदर आएगा। और सभी प्लेट एक जैसा एक समान ही डालना है। ठीक, ऐसे करके मैं बाकी प्लेट भी डाल दिया। अभी मेरा एक पार्ट हो गया। इसके बाद इसको सीधा करके ऊपर और एक सिलाई लगाना है। नीचे जो सिलाई है उसको उस तरफ रख के इसके ऊपर ही सिलाई लगाना है। ये मेरा एक पार्ट हो गया। अभी मैं दूसरे पार्ट सिलाई करूँगी। दूसरे साइड को उस तरफ रखना है। ये पार्ट मैंने इस तरफ सिलाई किया। अभी जो दूसरे पार्ट सिलाई करूँगी उसको दूसरी साइड रख के सिलाई करूँगी। पहले मैं सीधा सिलाई लगा लूँगी, ठीक पहले वाले जैसे सिलाया सिलाई किया ठीक वैसे ही। फिर इसके बाद प्लेट डालना है। इसके बाद इसके ऊपर और एक सिलाई लगाना है, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने पहले वाली में सिलाई लगाई थी, ठीक उसी तरह। इसके बाद मेरा दोनों पार्ट सिला के रेडी है। फिर इसके बाद
इसको इसके ऊपर दूसरे वाले दूसरे साइड को इसके ऊपर रख के इस साइड में जॉइन करना पड़ेगा। इस साइड को दोनों दोनों एक साथ मिला के ऊपर से सीधी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे दो जॉइन है, इसको मिलाना है, इसको मिला के फिर सीधा सिलाई लगाना है। इसके ऊपर भी और एक सिलाई लगाना है। ये मेरा दोनों साइड अब सिला के रेडी है। अभी मैं ऊपर प्लेट डालूँगी, जहाँ पे मैं डोरी अंदर घुसाना है तो वो प्लेट बनाना है। तो पहले मैं इस साइड को ऐसे करके मोड़ के ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। इस साइड में मैंने जैसे सिलाई लगाया ठीक दूसरे साइड में भी मैं ऐसे करके सिलाई लगा लूँगी। सिलाने के बाद इसको मैं ऐसे मोड़ के ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद मैं नीचे का जो बॉर्डर है उसको जॉइन कर कपड़ा जॉइन करके मोड़ूंगी। तो उसके लिए मैंने ये पहले से कपड़ा काट के रखा है, उसको एक दूसरे के साथ जॉइन करना पड़ेगा। पहले मैं इसको सिलाई लगा लेती हूँ। इसको भी उसी की तरह मैं ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको इसके साथ जोड़ूँगी। तो उसको सीधी साइड ऐसे करके सीधी साइड के ऊपर रख के पहले मैं सीधा सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद इसको सिलाने के बाद इसको उल्टी साइड में मोड़ना है। तो पहले मैं इसको छोटा छोटा करके प्लेट डाल के इधर ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद इस सिलाने के बाद इसको सीधी साइड में ऐसे मोड़ के ऊपर और दो तीन सिले लगाना है। इसको मैंने जैसे जैसे सिलाया ठीक वैसे ही करके मैं
मेरा जो दूसरा पैर है ठीक वैसे ही बॉर्डर सिलाई कर लूँगी। तो ये मेरा बॉर्डर बन के रेडी है, अभी मैं दूसरा सिलाऊँगी। तो ये मेरा दोनों बॉर्डर बन के रेडी हो गया है दोनों। इसके बाद मैं इस साइड में जैसे सिलाई लगाया ठीक दूसरी साइड में भी मैं ऐसे करके मिला के सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई एकदम सीधा लगाना है, इधर से थोड़ा छोड़ के ऊपर जो मैं दूरी अंदर घुसाऊंगी उसको छोड़ के इसको नीचे सिलाई लगाना है। इसके बाद इसके ऊपर और एक सिलाई लगाना है ताकि ये बाहर से मजबूत हो जाए। इसके बाद इसे लाने के बाद ये ऐसा आएगा, मैं दोनों साइड में जॉइन कर दिया। अब नीचे से मैं इसको घुमा के सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाने के बाद मेरा सूट बिल्कुल बन के रेडी है। तो मैं पूरा घुमा के सिलाई करके लेके आई हूँ, ये खोलना नहीं है, बस उस साइड से घुमा के सिलाई लगाना है। पहले मैं इसको नाप लूँगी, ए 6.5 इंच रखना है। तो ये मेरा पटियाला सूट अब बन के रेडी है। ये पहनने में भी अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छी है लगती है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, टाटा बाय बाय।